सोनू टेक कैसेट। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। बड़ी देर ला दी यार। नमस्ते अंकल, सुनते ही नहीं है। आंटी जी आपको सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयां। अरे ऐसे की कर रहे हैं? किसी कॉल पूछ लेनी है। तू ऐसे की कर रहे हैं? अजीब मुंडा है। और तू ऐसे की कर रहे हैं? कर लो बात। और तू ऐसे की कर रहे हैं? क्यों फ्रेंडशिप करनी है मेरे साथ? बल्ले 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 बल्ले। रानी जरा पकड़ना। ओ फौजी, ऐ तुसी बार बार कदे गेट दी तरफ कदे कड़ी दी तरफ की देखी जा रहे हो? किसी खास दे आन दा इंतजार है क्या? हां हां, किसी खास दे आन दा इंतजार हैगा। अच्छा, कौन है जरा साडे ते भी ज्यादा अहमियत रखदा है? ओए भूल गई, हर साल जो सालगिरह दे रौनक बनदे ने। ओ शंकर भाई साहब ते परजाई जी। हां जी, मैनू इक लाओ। मैं भला तुहाडे एडे खास ते अजीज दोस्त नु किवें भुल गई? अरे भाई क्या बात है, हम जब भी आते हैं हर साल आप हमारा ही जिक्र करते हुए मिलते हैं। भाई 12 साल से आप लोग हमारे दिल में जो रहते हो। हाँ वो तो है ही। ये तो हमारे दिल की बात ही। संतो बहन अब आप भी अपने दिल की बात बता दो। शादी से पहले कैसा लगता था हमारे भाई साहब के बिना?
शंकर भैया साथ साथ आप भी बता देना अपने दिल का हाल। अरे बता तो दे, लेकिन वो भी कुछ कहे ना जो चुपचाप खड़ी है। बदलने लगा अरमान आए अब महकने लगे मौसम भी बदलने लगा ख्वाबों की दुनिया संवरने लगी जीवन भी बदलने लगा मैं कहीं खो गई दीवानी सी हो गई मैं कहीं अब खो गई दीवानी सी हो गई सोचता क्या साथिया जिंदगी को जीने का अंदाज मिल गया हो जिंदगी को जीने का अंदाज मिल गया। सदा ये चमकता रहे ये दिल है तुम्हीं पे फिदा हाथों से गुलशन बसाए नया और ना हो कभी हम जुदा चेहरा सदा ये चमकता रहे ये दिल है तुम्हीं पे फिदा मैं फिदा हो गया ये हो गया बाहों में तेरी सोचता क्या साथिया जिंदगी को जीने का अंदाज मिल गया हो जिंदगी को जीने का अंदाज मिल गया देखो बद जिंदगी वो बेखबरती जिंदगी एहसास मिल गया जिंदगी को जीने का जिंदगी को जीने का अंदाज मिल गया।
हर खुशी अब मिल गई, सोचता क्या साथ यार, जिंदगी को जीने का अंदाज मिल गया, हो जिंदगी को जीने का अंदाज मिल गया, हो जिंदगी को जीने का अंदाज मिल गया, हो जिंदगी को जीने का अंदाज मिल गया। वाह जी वाह, वाह भाभी जी वाह, वाह वाह जी वाह। उन वाह वाह पे अटके रहोगे या आगे कुछ बोलोगे? भाभी जी आज तो कमाल ही कर दिया, इस महफिल का रंग ही कुछ और हो गया। शुक्रिया भाई साहब। एक बात तो है संतो बहन, आपकी और भाई साहब की जोड़ी राम और सीता की जोड़ी लगती है। अरे मंजू बहन, आप हमें भगवान का दर्जा भी क्यों दे रही हैं? भाई शंकर भैया क्यों ना दें, आप तीनों की जोड़ी है ही ऐसी। क्या मतलब? मतलब ये कि आपका लक्ष्मण जैसा देवर कैसा है। ओ गोपी, सारा दिन भागता दौड़ता रहता है और दिन में से कोई ना कोई उसके पास अपनी समस्या लेके आ ही जाता है। गोपी भैया, गोपी भैया, लाला के आदमी राजा राम को मार रहे हैं। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय धनोहरि। विभक्त राजा राम लुटाते लाला जी के पास है, वरना घर से भी जाएगा और जान से भी जाएगा। देखते क्या हो, मारो इसे। चल हट। लाला जी, लाला जी, माँ के पूरे पैसे ब्याज समेत दे चुका हूँ। तुमने अंगूठा लगा रखा है 590 रुपए पे, वो झूठा है। मैंने बोलू हजूर, पूरे 120 रुपए बकाया है, मार मार के हाँ भरवा इसे, मारो मारो इसे। ए लाला, ये कौन है? हजूर हजूर, ये शंकर का छोटा भाई है गोपी। ए मुनीम के बच्चे, अंग्रेजों से तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर हमने अपने देश को छुड़ा लिया, मगर हमको तो रोना आता है अपने देश की किस्मत पर। जो भी ये देश तोहार जैसे शातिरों के हाथों गुलाम है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म जो गरीबों का खून चूस चूस कर अपनी तिजोरियों को नोटों से लाल करते हो और हम जैसे एक नहीं हजार बकरे हलाल करते हो। मैंने बोलूं गोपी, तू इस तरह सरेआम लाला जी की बेइज्जती करके ठीक ना करे। ठेंगा मुनीम ठेंगा, जिसने ऐसी नीच हरकतें करके अपनी इज्जत बनाई हो उसकी इज्जत गोपी की ठोकर पर। गोपी बस, गोपी बस, बहुत हो चुका तेरा भाषण। रात दिन हमारे पैर दबाने वाले नौकर का भाई होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तोलिया सरजू, इसे मार मार कर हमारे कदमों में डाल दो। आओ आओ लाला की चमचो, तनिक हम भी तो देखे कि तुम्हारे बाजुओं में कितना दम है। आओ मारो इसे। Thank you.
तुम्हें लाला से डरने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद गोपी भैया। संतो मैं जा रहा हूं। सुनो जी, जरा जल्दी आना क्योंकि आज राधा को भी तो लेके आना है। हाँ हाँ, उसे तो गोपी ले आएगा। मैं बनिए की दुकान से कुछ सामान लेता आऊंगा। फिर भी जरा जल्दी आना। अरे पैसे मिले और मैं सामान लेके यूं आया। गेन भैया, कौन? हाँ भौजी, हम हैं गोपी। गोपी
आ गया तू, चल एक बार अंदर आ जा। हाँ हाँ अभी आए। का पता है भैया, पता नहीं कहाँ घूमता रहता है, सारा दिन उधेड़ बुन में लगा रहता है। इस घर के सारे कामकाज हमरे मत्थे चढ़ जाते हैं। हाँ बताओ भौजी, का कह रही थी? गोपी रेलवे स्टेशन से राधा को लिया। राधा? हाँ हाँ राधा, मेरी छोटी बहन। उसकी छुट्टियां हो गई हैं, महीनों हो गए इसे देखे, इसी बहाने मिल भी लेंगे। अब यहाँ खड़ा खड़ा बातें ही बनाता रहेगा या उसे जाके लेके भी आएगा। यू के कमाल कर रही हो भाभी, एक घंटे से चपार चपार खुद कर रही हो और सारा का सारा इल्जाम हमें दे रही हो। जाता है या उठाओ डंडा। अजी जाते हैं जनाब, जाते हैं। जाते हैं ये उठाओ डंडा। रुक जा भौजी। वाह मोहन वाह, अब बस करो, घर जाओ, तुम्हारे घर जाने का वक्त हो गया है। जी मैंने बोलू हजूर, मोहन की जमीन के बारे में क्या ख्याल है आपका? चिंता मत करो मनीम जी, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। राम राम लाला जी। राम राम करने आए हो या जले पे नमक छिड़कने? मैं आपका मतलब नहीं समझा माई बाप। अरे समझे तो तू सारी से भैया, वरना यहाँ की काम था इस टाइम। मुनीम जी मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं, मैं अपनी मजदूरी के पैसे मांगने आया हूँ। मजदूरी? कौन सी मजदूरी? पिछले 5 दिनों के काम किया जो वो तुम्हारी मजदूरी मैं काट चुका हूँ। तुम्हारे भाई ने राजा राम का खाता फाड़ दिया और मैंने वो पैसे तुम्हारी मजदूरी से काट लिए। ऐसा ना करो माई बाप, मैं अपने परिवार में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी दम बेइज्जती की है तुम्हारे भाई ने? सरयाम सबके सामने जवाबदारी की है, लाला से जवाबदारी। जाओ चले जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर चमड़े फेर दूंगा। नहीं माई बाप, ये चमड़ी भी तो आपकी बख्शी हुई है माई बाप, ऐसा जुलम ना करो। मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे 100 रुपए चाहिए। मेरी लाज रख लो, मेरी लाज रख लो लाला जी, मेरी लाज रख लो। देखा हजूर कैसे गिड़गिड़ा रहा है। अजीब बात है मुनीम जी, करे कोई और भरे कोई, कर छोटा रहा है और भुगत भुगत बड़ा रहा है। चल भाग, ऐसा ना करो लाला जी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रोहतक से कुरुक्षेत्र जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गई है। यात्रियों से अनुरोध है कि वो टिकट खिड़की के पास अपना सामान ना रखें। धन्यवाद। लावारिस वस्तु को छूने की बजाय पुलिस को सूचना दें। पता नहीं कैसी है। हे 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 हे। कौन है? ओ हो हे 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 हे। सुनो
सुना तो है कि सुंदर है। देखेंगे तो जानेंगे ना। मगर पहचानेंगे कैसे? क्यों? हिटलर के खानदान से हो क्या? नहीं, बजरंग बली के खानदान से है, तनिक बच के रहना। पर बजरंग बली तो कुंवारे थे। उ बजरंग बली और हमरे आपस का मामला है, यू खाम खा हमरा दिमाग ना खराब करो। हाँ वैसे ही किसी को ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान है। अच्छा नाराज क्यों होते हो? हाँ? ये बताओ तुम्हें गोपी हो क्या? नहीं माधुरी दीक्षित है। अरे भाई गोपी है जी, मैं राधा हूँ। और मैं राधा हो या आधा हो, हमें इससे का, हम तो किसी को ढूंढ रहे। का राधा? जी राधा। चलो अब। और चल रहे हैं भैया, काहे गुस्सा कर रही हो? गुस्सा उतारने के लिए शहर से आई है, अजीब बात है। लाला जी शंकर आ गया तो? हाँ लाला। समय नूरन तार दे। अच्छा लाला जी, तुम्हारे पैसे। ये तो 50 रुपए हैं सेठ जी। तुम्हारे 5 चक्कर हुए ना, 10 रुपए के हिसाब से 50 रुपए बैठते हैं। लेकिन सेठ जी मुझे कुछ कुछ और रुपए की जरूरत है। ये लो 50 रुपए और कल काम पे आ जाना, काम में से काट लूंगा। ठीक है सेठ जी, आप कितने अच्छे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये शंकर के 50 रुपए। सब घूर रहे, कान आप सुना पहन के आ गई। पता नहीं क्या हो गया इसे, कहाँ ले जा रहा है। ओए गोपी, ये तुम हमें मार्केट में कहाँ ले आए? देखिए मैडम, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। ऊपर देखिए बारिश आ रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। दूसरा हमारी साइकिल यहाँ खड़ी है,
गांव यहाँ से 5 मील दूर है, हम तो अपनी साइकिल पर ही जाएंगे। अगर आपको पैदल जाना है तो जाइए। अजीब नक्चड़ा है। अरे भैया, अरे अगर हवा चेक हो गई हो तो चलें। पिछवाड़े पे मारती है। चलो बैठो। पहले हाथ तो हटाओ। क्यों, हमने हाथ का पीछे की तरफ मुड़े हैं, जो पीछे जाके बैठ नहीं सकती। अरे पीछे तो मेरा बैग रखा है। तो बैग को गोद में लेके बैठ जाओ। ना बाबा ना, बैग को गोद में लेके बैठूंगी तो गिर जाऊंगी। तो कहाँ बैठोगी, हमरे सर पर बैठोगी? यहाँ बैठूंगी आगे। सत्यानाश हो तेरा। क्यों क्यों क्यों? अरे ये डंडा है, कौन आलसन गद्दी नाही। मैं तो यहीं बैठूंगी। हे बजरंग बली, हमरी रक्षा करना भैया, पता नहीं कहाँ से आ गई। राम 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 राम, आगे बैठी है। कैसे तन की बैठी है, शहर की मैमनी। राम 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 राम। हे बजरंगली, हे बजरंगली, हमारी रक्षा करना। इरादा है? राम राम राम। अरे तू तो बड़ी बेशरम है। हाँ, और तू तो बड़ा शर्मीला है। चल अब उठ भी जा। तू छोड़ेगी तभी तो उठूंगा। हाँ। आजा दीदी। शहर की मैम ने तो सारा दिमाग खराब कर दिया। ठीक है तुम? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर कितने महीने हो गए आपको देखे। अरे पगली, तभी तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। और सुना, माँ और बाबूजी कैसे हैं? माँ और बाबूजी तो बिल्कुल ठीक हैं। और हाँ, माँ ने आपके लिए बेसन के लड्डू भेजे हैं। अच्छा, वो सब के सब तो हम खा जाएंगे। हाँ? फिर तुम्हारी दीदी का खाएगी। मिल बाट के नहीं खा सकते तुम? 4 मील से अकेले साइकिल उठा कर ला रहे, तब नहीं का मिल बाट कर उठा लेते। क्या कहती, हैंडल मुझे दे दो, टायर तुम ले लो, सीट मुझे दे दो, बाकी सब तुम ले लो। देखा देखा भाभी, अब भी सारा का सारा भारी सामान हमारे हिस्से में ले दिया। अरे कौन सा भारी सामान, अरे भाई पहले इस सामान को भी तो संभालो जो मेरे पास है। ये ले पकड़। मुझे दे दो। नमस्ते जी। जय जी। नमस्ते नमस्ते। और राधा कौन सी जमात में हो गई तू? मैं इस साल सेकंड ईयर में आ गई। अच्छा अच्छा। और गोपी कौन अरे सी? अरे इस नालायक की बात मत करो, इसने तो आज मेरी बेइज्जती करवा दी। क्यों जी, ऐसा क्या किया हमारी गोपी ने? मैं ठीक कह रहा हूँ संतो? लेकिन भैया हमने किया क्या है? अरे तुझे क्या जरूरत थी लाला जी से पंगा लेने की? उनके सारे भाई खाते फाड़ के रख दिए तूने। अब समझा, तो आपके कान उस लाला के बच्चे ने भरे, लेकिन भैया वो राधाराम से जबरदस्ती पैसे वसूल कर रहा था। तो तूने क्या सारी दुनिया को सुधारने का ठेका उठा रखा है? भैया हम सच कह रहे हैं, अगर लाला के बच्चे ने अब की बार फिर से हरकत की तो हम उसका मुंह नस डालेंगे। देख लिया देख लिया, कैसे बड़े भाई के सामने जबान लड़ा रहा है। अरे मैं मार मार के तेरा उल्लू बना दूंगा।
अरे मार मार के हमरा उल्लू बना दोगे? तू उल्लू का भाई का वो उल्लू है ना? देख लिया सुन तो, मैं कहता हूँ इसको अभी बाहर निकाल देंगे तो मार मार के इसका भूत बना दूंगा मैं। नहीं जाएंगे, यहाँ खड़ा रहूंगा आपकी छत पर। अच्छा तू नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। तू नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। तो फिर मैं जाता हूँ। रुका, जब देखो जब गोसाई करके घर से बाहर निकाल देते हैं और कुछ दिमाग में नहीं आता क्या? अजीब गुस्सा है, बहुत तो बाहर निकाल दो। ये आपने क्या किया? गोपी ने सुबह से खाना भी नहीं खाया था और आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम दोनों भाई मुझे बोलने का मौका दे तब ना। अरे ये मैंने क्या किया? जा संतो, उसे मना कर ले किया, वो तेरे कहे बिना नहीं आए। ठीक है, अब तो मैं उसे मना लाऊंगी, लेकिन आगे से उसे कुछ मत कहना। बस यही बात हमको अच्छी नहीं लगती, भैया को सही करके हमको बाहर निकाल देते हैं और फिर बा भी चली आती है मनाने। चल आ जा चुपचाप खाना खा ले। आ रहे हैं भैया, खाना खाना है। और ये रहे 120 रुपए। और भाई मुनीम जी, कुछ छुड़ा है गांव में आजकल? क्या कुछ चल रहा है? मैंने बोलू हजूर, सुना भी है और देखा भी है। मैं कुछ समझा नहीं। हजूर माय बाप वो शंकर है ना, शंकर उसकी साली आई है शहर से, पढ़ी लिखी तो है ही, साथ में जवानी भी बढ़ चढ़ कर बोल रही है माय बाप। अगर ऐसा है तो एक बार मेहरबान हो जाए, तबीयत करारी हो जाएगी, करारी। माय बाप, इस सेवक का भी थोड़ा बहुत पुण्य हो जाए, गुलाम तो मैं आपका हूँ ही, जिंदगी भर कर्जवान भी रहूंगा। आपने बात कहकर हमारी बेकरारी को और बढ़ा दिया है मुनीम जी, और बढ़ा दिया है। लेकिन हजूर गोपी को पता चल गया तो? खून की होली खेल जाएंगे, नामो निशान मिटा देंगे उसके खानदान का, मगर उस छम्मक छल्लो के साथ मनमानी करके ही रहेंगे। अजी हजूर, खून खराबे की नौबत नहीं आएगी, बस उचित समय का इंतजार कीजिए। मैं कुछ समझा नहीं मुनीम जी। हजूर उचित सा समय देखकर ये काम शंकर से ही करवा लेंगे, आखिर वो भी तो आपका सेवक है। भाई वाह मुनीम जी वाह, मजा आ गया। अरे गोपी क्या हुआ? क्या हुआ की बच्ची, कम से कम कपड़े तो पहन कर आती। अरे कम से कम ही तो पहन रखे हैं। हमरा मतलब है इनके नीचे भी तो कुछ पहनना था। ओ गोपी, इट्स वेरी कूल गोपी, दिस इज फैशन। ओके गोपी, हाउ डू आई लुक टुडे? किट पिट किट पिट कर रही हूँ, जब देखो तब अंग्रेजी पर उतारू हो जाती हूँ। ओए अब गुस्सा छोड़ और पानी पी ले। नहीं पीना हमको पानी वानी।
दिमाग खराब कर दिया होगा, खुद मेरा दिमाग है नहीं। अभी देखती हूँ तुझे। ओए, बहुत नखरे हैं साहब के, आज देखती हूँ तुझे। राम राम राम, हे राम, आज हमको बचाई लो। हाय राम, मैं तो फंस गया, फिर नाग सकोए डस गया। हाय राम, मैं तो फंस गया, फिर नाग सकोए डस गया। कोई तो मन्ने आज बचावे, हो कोई तो मन्ने आज बचावे। गिट पिट गिट पिट इंग्लिश बोले, बात समझ ना आवे। हाय राम, मैं तो फंस गया, फिर नाग सकोए डस गया। हाय राम, मैं तो फंस गया, फिर नाग सकोए डस गया। क्या कर रही हो मेरी संतो रानी? फुटबॉल खेल रही हूँ, दिखाई नहीं देता क्या? बर्तन रख रही हूँ। हजूरे आला, कभी हमारा भी दिल रख लिया करो।
ओहो, आज तो कुछ और ही मूड में लग रहे हो। मूड में तो हम हमेशा ही रहते हैं, लेकिन कभी मैदान साफ मिले ना। वो राधा और गोपी कहाँ है? राधा तो गई है अपनी सहेली के घर और गोपी गया है मंदिर में और मैं अब आंगन में जा रही हूँ। जाने देंगे तब ना। छोड़ो, क्या कर रहे हो? राधा आ जाएगी? वो नहीं आएगी, सहेली के गई है ना, वो 2 घंटे के बाद ही आएगी। गोपी आ जाएगा? अरे वो हनुमान मंदिर गया है, पूरा चालीसा पढ़ के ही आएगा। मन में क्या है? जो तुम्हारे मन में है। मेरे मन में तो ये है। अरे अच्छा, अभी देखता हूँ मैं तुझे। कहो जी, आप किस मूड में हो? क्या हुआ? ज्यादा लगी क्या? पकड़ लिया ना? लेकिन धोखे से। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे बजरंगबली, हमसे ऐसी कोनो भूल हो गई भगवान, जो आप अपने इस भक्त का इम्तिहान ले रहे हैं भगवान। कल तो हम बर्बाद हो जाते, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते भगवान, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। बड़ी मुश्किल से घर से इज्जत बचाकर भागे हैं। बस हमारी लाज रख लीजिए भगवान, बस हमारी लाज रख लीजिए और हमें माफ कर दीजिए भगवान, हमें माफ कर दीजिए। दुखी मत हो बच्चा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। जिसे तू ढूंढ रहा है इधर उधर, वो तेरे सामने है, क्या आता नहीं नजर? प्रभु प्रभु, आप राम 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 राम, हे बजरंगबली, हे बजरंगबली, हे भगवान, हे भगवान। भगवान, हमारा कोई दोस्त नहीं है, सारा का सारा दोस्त उस लड़की का है। हम सब जानते हैं बच्चा, हम चाहते हैं कि तुम उस लड़की से विवाह कर लो। लेकिन भगवान, हम तो आपके भक्त हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं ना। तुम्हारा ब्रह्मचारी व्रत पूरा हुआ, जाओ जाके सांसारिक मोहमाया का आनंद लो। हे प्रभु, हे बजरंगबली, लेकिन लेकिन भगवान, हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। हाँ प्रभु। क्या? नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। राम 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 राम। हे बजरंगबली, हे बजरंगबली। गोपी, हे बजरंगबली, मुझे माफ कर देना। तुम्हारा ब्रह्मचारी व्रत पूरा हुआ, जाओ जाके सांसारिक मोहमाया का आनंद लो। हम चाहते हैं कि तुम उस लड़की से विवाह कर लो।
पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है, हमरा 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 मुंह तोड़ दिया। अरे पगली, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुझे जरूर कोई बुरा सपना आया होगा। हाँ। रात बहुत हो गई है, चल अब सो जा। संतो क्या है ये, गोपी कहाँ गया? यहाँ चारपाई के नीचे। इसकी चारपाई तो खाली है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि नींद में बाहर चला गया हो? जरूर चला गया हो। आओ चलकर देखते हैं उसको। चलो उसे देखते हैं। चारपाई पर आराम से चैन की नींद सो सके। ओए सीधा सीधा बता दे वरना दीदी जी को आवाज लगा दूंगी। हाँ चुप। पता नहीं कहाँ चला गया। चुप शैतान की खाला, हमारी पिटाई करवाएगी क्या? तुम्हारी पिटाई कैसे करवा सकती हूँ, तुमसे तो मैं प्यार करती हूँ ना। सच्ची? तुम उसे सच्ची बहुत प्यार करती हो? आ गया होगा कोई उसे बुलाने, बिन बताए चला गया। सोचा रात को भाभी जाने नहीं देगी। फिर तो तुम्हें शादी भी हमसे ही करनी पड़ेगी। उफ, अरे प्यार तुमसे करती हूँ तो शादी क्या राजा राम से करूंगी? राजा राम? चल आ जाएगा अपने आप। भैया भैया ना रात को कहीं सोने देता हमें चैन से, पता नहीं कहाँ चला गया मूर्ख कहीं का। बिंदिया चमकेगी। हे हे दीदी बुला रही है, मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। हजूर आज का दिन तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों ऐसी क्या बात हो गई मुनीम जी?
जरा सामने नजर तो डाल के देखिए। ये तो शंकर की घरवाली है ना, और साथ में उसकी साली भी है। हाय हाय मुनीम जी, लोग त्वचा को छुरियों से कत्ल होते हैं और हम तो उसे देखकर ही ढेर हो गए। अजी हजूर, जरा होश में तो आइए, वो बिल्कुल करीब आ गए हैं। मुनीम जी, जरा इनसे बात तो करो। अभी लो माई बाप। मैंने बोलूं गोपी की भाभी, जरा महाजन को भी राम राम कर लिया करो। माफ करना मुनीम जी, मैंने इन्हें देखा ही नहीं। नमस्ते लाला जी। नमस्ते नमस्ते। शंकर आजकल दिखाई नहीं देता। वो तो जब से आपने उन्हें काम से निकाला है अनाज मंडी जाने लगे हैं। वो तो खाम मखा बुरा मान गया मेरी बात का, जैसे इससे पहले मैंने कभी उसे डांटा ही नहीं। माई बाप जितने गुस्से वाले लगते हैं उतने हैं नहीं। ठीक है, शंकर को भेज देना, मैं बात कर लूंगा उससे। अच्छा लाला जी। क्यों सरकार, क्या इरादा है? मुनीम जी, दूर से देखा तो कत्ल कर गई, और करीब से देखने पर तो लगता है जैसे इस मुर्दे में फिर से जान आ गई हो। चलिए हजूर, सूद भी वसूल करना है। चलिए चलिए। क्यों जी, आज यूं दोनों भाई उदास एक दूसरे से मुंह मोड़ के क्यों खड़े हो? दीदी, लगता है इन दोनों ने आपकी बात नहीं सुनी। क्यों जी, क्या बात है? उसी से पूछ लो। गोपी, क्या बात है? भौजी, भौजी हम राधा के साथ शादी करना चाहते हैं। अरे तू कम से कम अपने आप को तो देख, तू कहां और वो कहां? वो पढ़ी लिखी लड़की और तू ठहरा एक अनपढ़ गवार। अजी आप शांत हो जाइए, आराम से बैठ के बात करते हैं। संतो, मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब दूँ? क्या राधा को हमने यहाँ इसीलिए बुलाया था? आखिर राधा के भी कोई सपने होंगे, कोई अरमान होंगे। जीजा जी, मैं भी गोपी से प्यार करती हूँ। और गोपी से ही शादी करूंगी। हाँ भौजी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं भौजी, बहुत प्यार करते हैं, और एक दूसरे के बिना नहीं जी सकेंगे भौजी, नहीं जी सकेंगे। तू समझता क्यों नहीं गोपी, क्या राधा के माँ बाप इस बात के लिए राजी होंगे? उनकी बात आप मुझ पे छोड़ दीजिए, माँ और बाऊ जी को मैं मना लूंगी। अगर तुम भी इस बात के लिए राजी हो तो फिर हो जाए मुंह मीठा। भैया भैया, ओ जीजू, यू आर वेरी ग्रेट, यू आर वेरी स्वीट स्वीट जीजू। क्यों गोपी, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? भैया हम पहले से ही जानते थे इसकी नौ बताने वाली है, हमने इसका इंतजाम पहले से ही करके रखा हुआ है। अच्छा, हम अंदर यूं गए और यूं आए,
पता नहीं क्या करेगा। हेलो वन टू थ्री। My brother. Hello, my brother Bobby. And hello, my brother Sali. No nation can be to people are denominated. Your telephone is disconnected. For non payment, please contact the account officer. Account officer. Kya? मेरा भाई है। मैंने बोलू सरकार गहरी सोच में बैठे हो, क्या काम था इस टाइम? मुनीम जी, आज शंकर आया या नहीं? बस यूं समझ लीजिए हुजूर, आज संदेशा भेजा है, वो घर पर नहीं था, काम पर चला गया था, लेकिन कल वो खींचा चलाएगा हुजूर। आप नहीं जानते मुनीम जी, सब्र की सब घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। हर तरफ वो लड़की दिखाई देने लगी है, वो लड़की पहले तो सिर्फ एक रात की बात थी, लेकिन अब हमने उसे हर रात की मल्लिका बनाने का फैसला कर लिया है, हर रात की मल्लिका। मैं कुछ समझा नहीं सरकार। मुनीम जी, हमने उस लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया है। भागो, हुआ ही या भागो, कभी ही या कभी हुआ। लकड़ी काटो, जो काम नहीं आता काइस से करे उसको। हमारा दिमाग खराब करके रख दिया। हिया हिया रखी जा हिया। अरे ये गोपी भैया को क्या हो गया? अरे गोपी भैया, आप यहाँ लकड़ी के साथ लाल पीले हो रहे हो और वहाँ हुआ? हुआ क्या? वहाँ कोई तुम्हारे इंतजार में लाल पीला हो रहा है। इंतजार में कौन? भूल गए, भाभी ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था। भाभी? हाँ हाँ भाभी, राधा भाभी। गोरी गोरी तू जा यहाँ से। क्यों क्यों क्यों? तूने राधा को भाभी कहा ना,
हमका बहुत शर्म आ रही है। वाह भाई, आप तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे बंदर आईना देख के शर्माता है। रुक जा शरारती। राधा भाभी। अभी अभी तो यहां बैठी थी, फिर कहां चली गई? राधा तुम? हाँ मैं, जो कंकरिया तुमने मारी थी उन्हें वापस करने आई हूँ। राधा हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। पर अब मजाक का वक्त नहीं है गोपी, मैंने तुम्हें घर से बाहर मिलने के लिए नहीं बल्कि कोई जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। जरूरी बात? हाँ, मैं कल वापस जा रही हूँ। अरे इसमें उदास होने की क्या बात है? ओ हो, तुम खुश हो? बोलो ना। हाँ नहीं, पर ये सोच के खुश हूं कि जाऊंगी तो वापस भी तो आऊंगी। ना ही राधा, अब तो हम अपनी राधा को दुल्हनिया बनाकर ही लाएंगे। अरे हमको तो आज ही पता चला कि हमारी दुल्हनिया को शर्माना भी आता है। हे हे राम लाला जी। आओ शंकर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार ने इस गरीब को किस लिए याद किया है? शंकर, तुम्हें नौकरी से निकालने के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ और फिर मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें दोबारा नौकरी के लिए नहीं बल्कि किसी खास दर्जे के लिए ही अपनी हवेली पर बुलाऊंगा। मैं हजूर का मतलब समझा नहीं। शंकर, जब से मैंने तुम्हारी साली को देखा है तब से मैंने उसे शादी करने का फैसला कर लिया है। अच्छे नसीब हैं हमारे माई बाप जो आपने हम गरीबों के साथ रिश्ता जोड़ने की सोची। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन लाला जी, राधा की शादी गोपी के साथ तय हो चुकी है। तय हुई है? हो तो नहीं गई? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये रिश्ता टूट भी तो सकता है? नामुमकिन। खैर कोई बात नहीं शंकर, अगर गोपी राधा से शादी करना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर राधा को एक रात के लिए मेरे पास।
अच्छा गोपी, मैं जा रही हूँ। छोड़ा है राधा को? छोड़ा है भौजी। बस तो मिल गई होगी ना? हाँ भौजी, बस मिल गई थी भौजी। चलो अच्छा हुआ। संतो, संतो। भैया, भैया! क्या हुआ आपको? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? क्या हुआ भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस ऐसे ही चलते चलते रास्ते में गिर गया था, और गिरने के बाद थोड़ी सी यहाँ चोट आई है मुझे। लेकिन भाजी हाथ पर भी चोट लगी है। हाँ? हाथ पर भी चोट लगी है भाजी। सच तो बताओ भैया, सच तो बताओ। आप तो लाला के हैं गए थे ना भैया? कहीं ऐसा तो नहीं कि लाला के बच्चे ने? भाजी, लाला के बच्चे ने? भाजी, गोपी, थोड़े भाजी, गोपी, 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 हम सच कह रहे हैं भाभी, उस लाला के बच्चे की पोती पोती नुस डालेंगे। हट जाओ गोपी, मैं तुम्हारे के हाथ जोड़ती हूँ, शांत हो जाओ। भाभी चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। चलो मैं आपको हल्दी डाल दूँ। संभल के आप आराम से लेट जाओ, मैं आपके लिए हल्दी लेके आती हूँ।
चाची, ओ चाची, ओ चाची। गौरी, ए गौरी। हैं? इधर आ। क्या है? अरे इधर तो आ, दरवाजा खोल। क्यों? इससे मुझे क्या मिलेगा? पनीर की दुकान से जो भी चीज लाऊंगा सारी की सारी तेरी। सच्ची? मुच्ची, चल दरवाजा खोल। चाची कहाँ है? चाची वाची नहीं है, चल भाग। अरे इसको क्या हो गया? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय धनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। तूने हमरे भैया को छुआ है लाला, हमरे भैया का हाथ पाया है तूने, नीचे आ लाला, तो ये बॉडी बॉडी काट कर नीचे फेंक दूँगा, नीचे आ। एक निहत्ते पर गाड़ी चलाकर बहादुरी दिखाना चाहता है गोपी। Thank you.
मार सरजू मार इसे। चकारी के चक्कर में लाला जी का खून करना चाहता है तू? चल तुझे थाने ले जाकर बताऊंगा। दरोगा बाबू, इसने हमारे भैया पर हाथ उठाया है, हमारे भैया पर। छोड़वा नहीं तुझे, छोड़वा नहीं तुझे। अजी सुनते हो, गोपी अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। ये हमने क्या किया? भैया और भौजी का विश्वास तोड़ दिया। जब उनको पता लगेगा कि हमने उनसे छिपकर झगड़ा किया तो उनको बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा उनको। और जब यही खबर मिलेगी कि हम हवालात में बंद हैं, तो उस समय तो मुझे माफ कर दीजिए हजूर, मुझसे भूल हो गई थी, जो मैंने आपके गिरेबान पर हाथ डाला। मेरा भाई भी नादान है, गलती कर बैठा हजूर, उसे छोड़ दीजिए आप, उसे छोड़ दीजिए। हम कौन होते हैं छोड़ने वाले, अब तो पुलिस पकड़ कर ले गई है उसे। जिंदगी भर जेल की चक्की पीसेगा तो कल ठिकाने आ जाएगी उसकी। लाला जी, अब तो हमारे गोपी को पुलिस से बस आप ही छुड़वा सकते हैं। लाला जी पर रहम कर, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। लाला जी, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मुझ पर रहम करो, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। लाला जी, मेरे भाई को छोड़ दीजिए, मेरे भाई को छोड़ दीजिए, मेरे भाई को करो। लाला जी, हम गरीबों पर रहम करो। मैं नू बोलू हजूर, यही मौका है। मौका? हाँ मौका हजूर, शंकर और गोपी को बर्बाद करने का मौका। राधा तो जा ही चुकी है, और अब शंकर से इसकी जमीन और मकान छीन लीजिए हजूर, छीन लीजिए। ठीक है शंकर, मैं गोपी को छुड़ा लाऊंगा,
मगर मेरी एक शर्त होगी। मुझे आपकी सब शर्तें मंजूर हैं, सब शर्तें मंजूर हैं। मुनीम जी, कागजात लीजिए हजूर। तुम्हें इन कागजों पर अंगूठा लगाना है शंकर। लाला जी, इन कागजों पे क्या लिखा है? मैंने बोलू हजूर, इसमें लिखा है कि तुम गोपी को छुड़ाने के बदले अपनी जमीन और अपना मकान लाला जी को बेच रहे हो। रहम करो, रहम करो लाला जी, रहम करो, अब घर से बेघर हो जाएंगे, अब गरीबों पर रहम करो लाला जी। गोपी को छुड़ाना है या नहीं? हवलदार जी साहब, गोपी को छोड़ दो, लाला जी ने अपनी रिपोर्ट खारिज करवा दी। जी अच्छा, अब क्या करें दरोगा बाबू, गोपी तो नादान है, गलती कर बैठा, क्यों मुनीम जी? क्या आप ये सोच समझ कर कह रहे हैं? इसमें सोचने की क्या बात है संतो, मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं इस घर का खर्च चला सकूं। हम लोग गोपी के ऊपर बोझ बन जाएंगे संतो, गोपी के ऊपर बोझ बन जाएंगे। वैसे भी आज नहीं तो कल ये घर तो हमें खाली करना ही पड़ेगा। तभी तो कह रहा हूं ना, वो अकेला होगा तो कुछ कमा खा करके बचा लेगा, हम लोग साथ में होंगे तो तीनों भूखे मरेंगे और कुछ नहीं बचेगा। मैं इस तरह से स्वार्थी होकर उसका भविष्य खराब नहीं कर सकता, उसका भविष्य खराब नहीं कर सकता। अगर ये उसके भविष्य का ही सवाल है तो मैं कल ही उससे बात करूंगी। नहीं भौजी नहीं, हम इस तरह से आप लोगों को छोड़कर नहीं जाएंगे भौजी। गोपी, कल को तेरी शादी भी तो करनी है, अगर तू शहर चला जाएगा तो कुछ कमाने के लायक हो जाएगा। लेकिन भौजी, हम आप और भैया के बिना नहीं रह सकते भौजी। तो क्या सारी जिंदगी हमारे ऊपर बोझ बन करके रहेगा तू? क्या भैया, हम आप लोगों के ऊपर बोझ है भैया? बोझ नहीं तो और क्या, आखिर कब तक तुझे घर पे बिठा के मैं खिलाता रहूंगा? अरे हमारे भी कुछ सपने हैं, हमारे भी कुछ अरमान है। तो क्या इतने दिनों का प्यार ये सब झूठा था भैया? हाँ हाँ झूठा था, झूठा था। अरे सोतेला था, सोचा था बड़ा होकर के कुछ कमा करके हमें खिलाएगा। लेकिन भारे वाह, तू तो बड़ा ही उस्ताद निकला। नहीं भैया, आप कुछ भी कह लो, हम आप लोगों को छोड़कर नहीं जाएंगे भैया, नहीं जाएंगे। नहीं जाएगा तू? नहीं जाएंगे। ठीक है चल संतो, हम चलते। भैया रुकिए भैया, अगर किसी को जाना है तो हम जाएंगे। आप लोगों का पता नहीं, लेकिन हम आप लोगों को नहीं भूल पाएंगे भैया, हम आप लोगों को नहीं भूल पाएंगे भैया।
रहूंगा तेरे नसीब हरने मेरे तो जोड़े भाग राम न फोड़े भाग राम न फोड़े। तुम्हारे बिना नहीं रह सकती गोपी, नहीं रह सकती। हम आप बोझ है भैया, बोझ नहीं तो क्या? आखिर कब तक तुझे घर पर बिठा के बिठा लाता है? हमारे भी कुछ सपने, हमारे भी कुछ अरमान। ये सब झूठा था भैया। हाँ हाँ झूठा था, झूठा था। देश अकेला था, सोचा था बड़ा होकर के कुछ कमा करके हमें खिलाए। तू तो बड़ा ही उस्ताद निकाल। अरे अकेला था, सोचा था बड़ा होकर के कुछ कमा करके हमें खिलाए। लेकिन भारे भारे तू तो बड़ा ही उस्ताद निकाल। Thank you.
मेरे तो जोड़े भाग राम न फोड़े, भाग राम न फोड़े। दुख विपता के मारे कोड़े भाग राम न फोड़े, भाग राम न फोड़े। लाला जी हम पर रहे हैं। पूरे 5,000 रुपए दिए हैं तुम्हारे भाई को छोड़ने, पूरे 5,000। आज से घर मेरा है, मेरा। निकल यहाँ से, चल भाग, निकल, देखते क्या हो, इसे घर से बाहर निकाल दो, जाओ। तू यहाँ क्या करने आई है, चल निकल। ये दो मिनट कुछ तो घाट और घर ना घुट घुट कायम होगा मरना, दो मिनट कुछ तो घाट और घर ना घुट घुट हे प्रभु, हे बजरंग बली, आपकी कृपा से हम अपने पैरों पर खड़े हो गए प्रभु, और मात्र 8 महीने में ही इस काबिल हो गए हैं प्रभु कि अपना एक घर बना सकें। प्रभु हमें आशीर्वाद दो, प्रभु हमें आशीर्वाद दो, ताकि हम इतने बड़े इंसान बन सकें कि भैया और बहूजी को हमें अपनाने में गर्व महसूस हो। भैया, भौजी, आप लोगों की यह हालत। भैया, भैया, भौजी, आप लोगों की यह हालत।
भैया भौजी सच सच बताइए भौजी सच सच बताइए क्या हुआ है? कुछ नहीं गोपी, वो हाँ घर में आग लग गई थी, हम दोनों बहुत मुश्किल से जान बचा के निकले वहां से। लेकिन बाकी की जमीन? जमीन उसको तो मैं कभी का बेचकर जुए और शराब में उड़ा चुका हूँ। नहीं भैया, जो इंसान कभी हुक्का तक ना पीता हो वो जुआ और शराब। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं भौजी, हमें सच सच बताइए भौजी, हमें सच सच बताइए क्या हुआ वो गोपी। नहीं नहीं संतो, नहीं इसे कुछ मत बताना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। नहीं भैया, भौजी भौजी हमसे कुछ ना छिपाइए भौजी, हमें सब कुछ बताइए, आपको हमारी कसम भौजी, आपको हमारी कसम। गोपी जब तुझे लाला के घर से पुलिस पकड़ के ले गई तो भाई के लिए सह भैया, अपने सोतेले भाई के लिए सह, सोतेले भाई के लिए। पगले, तू ये कैसी बातें कर रहा है, तू तो हमारे लिए सगों से भी बढ़कर है। अरे पगले, तुझे आज इस हालत में देखकर हम कितने खुश हैं, क्यों संतो? लेकिन भैया वो खुश नहीं रहेंगे, वो लोग खुश नहीं रहेंगे भैया, जिन लोगों ने हमें घर से बेघर कर दिया। हम लाला से गिन गिन कर बदले लेंगे भैया, गिन गिन कर बदले लेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं गोपी, हम तुम्हारे साथ हैं। गोपी, गरीबों का खून चूसने वाले लाला को हम सब मिलकर सजा देंगे। गोपी भैया, मैं सच कह रहा हूँ गोपी भैया, मुझे नहीं मालूम लाला जी कहाँ गए। हमें नहीं मालूम था मुनीम कि तुहार जैसा नमक हराम आदमी भी इतना वफादार हो सकता है। बता दे मुनीम, वरना लाला जी से पहले तेरी मरम्मत करनी पड़ेगी। नहीं नहीं शंकर भैया, मैं रोटी रोटी की कसम खाता हूँ, मुझे नहीं मालूम लाला जी कहाँ गए। बताई दे मुनीम, बताई दे, वरना खाम खाए गोली खराब करनी पड़ेगी, बताई दे। गोपी चला दे गोली, देखते हैं मुनीम गोली चलने से पहले मरता है या बाद में। नहीं नहीं गोपी भैया, गोली मत चलाना भैया, गोली मत चलाना भैया, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। महन कर दे अपनी जमीन लाला जी के नाम। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मेरे पास जो भी है मेरी जमीन ही तो है, अगर मैं वो भी लाला के नाम कर देता हूँ तो इससे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अगर मरते हैं तो मरने दो, वैसे भी इस देश से भूख और गरीबी को खत्म करने के लिए सरकार को तंग होना पड़ रहा है। अगर थोड़ी सी भूख और गरीबी हम खत्म कर देंगे तो सरकार की मदद ही होगी ना। कौन किसकी मदद करेगा और कौन किसको खत्म करेगा, इसका फैसला भी हो जाएगा लाला। ओ शंकर, तुझे और तेरे परिवार को तो बर्बाद कर दिया मैंने, तेरा सब कुछ तो दे दिया, लेकिन लगता है आज तेरी जान भी लेनी पड़ेगी। देखते हैं लाला किसकी जान कौन लेता है। बड़ा घमंड है तुझे, जरा अपने आप को देख और फिर मेरे आदमियों की तरफ देख, बोटी बोटी नोच डालेंगे, कौन बचाएगा तुझे, तो हर बाप लाला।
गोपी तू भी आ गया मरने के लिए हाँ? हमें मौत का खौफ नहीं है लाला, मगर हाँ आज हम तुहार जिस्म के इतने छोटे छोटे टुकड़े करेंगे जिसे यहाँ चील और कौवे भी अपनी चोंच में ना उठा सके। देखते क्या हो, खत्म कर दो इन दोनों को। खबरदार, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो हम उसे फूंक कर रख देंगे। लाला, आज तेरी नहीं हमारी बारी है, और हम जैसा कहें तू वैसा ही करेगा तो शायद तेरी मौत और आसान हो जाएगी। मैंने बोला शंकर, एक मौत यहाँ भी आसान होने जा रही है। बंदूक फेंक दे गोपी। शाबाश मुनीम, शाबाश। कभी ने छोड़ दिया मुझे। आज तूने लाला को अपनी वफादारी से जीत लिया है। शुक्रिया हजूर, शुक्रिया, बस आपकी कृपा है। लाला, हमरी भाभी को छोड़ दे लाला। तोहार जंग हमरे साथ है, मर्द अपनी जंग खुद लड़ता है लाला, खुद लड़ता है। सारी मर्दानगी तुम दोनों भाइयों को मुबारक हो गोपी। आज लाला तुम्हें अपना कमीनापन दिखाएगा, अपना कमीनापन। कमीने छोड़ इसे, छोड़ इसे, लाला। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम भारद्वाज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय धनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, सत्य, अहिंसा, प्यार, प्रेम, मजा आ गया मुनीम जी, मजा आ गया।
अजी हजूर, मैं बोलूं अंग्रेजों से मिली हुई तालीम हम कैसे भूल सकते हैं? ये उसी तालीम ही का तो असर है मुनीम जी, जो हम एक के बाद एक यहाँ लाशों के ढेर लगा देंगे और फिर इस गांव की हर औरत हर लड़की को नंगा करेंगे। उठ लाला, उठ। अंग्रेजों की तालीम याद है, अंग्रेजों की तालीम याद है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की तालीम भूल गए लाला। क्या कहा था, एक के बाद एक ही लाशों के ढेर लगा देगा, इस गांव की हर औरत हर लड़की को नंगा करेगा। कपड़ा उतार। क्या? कपड़ा उतार, कपड़ा उतार। ओए मुनीम, हमने भैया और भाभी को खोल जल्दी कर लाला, जल्दी कर, जल्दी उतार। उठ लाला, उठ। गौर से देख अपने आप को। लाला, अगर हमारी फौजी ये ना होती ना, तो तुम्हारे बदन पर एक मीटर का जितना भी ना होता लाला, एक मीटर का जितना भी ना होता। लाला, मार दे तुझे गोली, कर दे तेरा खेल खत्म, कर दे। मारो इनको, मारो। निशाना मेरे ऊपर है, गोली मेरे ऊपर चला। नहीं, पहले गोली मेरे ऊपर चला। नहीं, गोली सबसे पहले गोपी को लगेगी। नहीं। ओए, अगर तू मेरे गोपी को मार देगा तो मैं शादी किसके साथ करूंगी? पकड़ लाला के बच्चे को, चल बेटा तेरे मायके ले चलता हूँ। राधा, तुम यहाँ कैसे? दीदी, जब शहर में गोपी के बिना मन नहीं लगा तो मैं यहाँ वापस आ गई।
पर यहाँ आके देखा तो ये कमीना मेरे गोपी को मारने पे उतारू है। लेकिन राधा, तू ये पुलिस को कैसे लेकर के आई? जीजा जी, जब मैं यहाँ आई तो देखा कि इस मुए ने आपको और दीदी को बांध रखा है और गोपी को पीट रहा है। बस ये देख के मैं पुलिस स्टेशन भाग गई। का कहा थाने जाकर? क्या कहना था, बस गाली दे के भाग गई। ये लोग खुद ही मेरे पीछे दौड़ के आ गए। चल ले आ मुनीम के बच्चे को, चल थाने चल। शंकर जरा बांध कर रखा कर अपनी साली को, बहुत ज्यादा बोलती है। हाँ दरोगा बाबू, आज मैं इसे ऐसे बंधन में बांधूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। गोपी चल। हे हे जीने का अंदाज मिल गया। आरज़ू बन गई बन गई बन गई, हर खुशी मिल गई मिल गई मिल गई। आरज़ू नई बन गई हर खुशी अब मिल गई, सोचता क्या साथिया। जिंदगी को जीने का अंदाज मिल गया। जीने